नमस्कार, हटेला न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। 2022 में यूपी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, इसलिए वहां का छोटी मोटी पार्टियां और जितने भी क्षेत्रीय दल की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, सब अपने अपने कुंबे को सुदृढ़ करने में लगे हैं। क्या है खबर, विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने मेरा हटेला न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, इसलिए सभी पार्टी, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय पार्टी हो, सभी अपने अपने पार्टी को सुदृढ़ करने में, मजबूत करने में और दूसरे के विधायक को तोड़ने में, अपने में शामिल करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक नज़ारा आपको लखनऊ में देखने को मिला। बीएसपी के 9 विधायक, जिसको बीएसपी ने निष्कासित कर दिया है, वो अपने कुंबे को सेट करने के लिए कई क्षेत्रीय दल को तलाश रहे थे, ढूंढ रहे थे। उसमें अखिलेश यादव, उनमें एक उनको ऐसा मौका दिखा तो उन सारे विधायकों को अखिलेश यादव ने अपने लखनऊ मुख्यालय में उनको बुलाया और उनसे घंटों बात की। बात करने के बाद वो उसको ऑफिस का बैकडोर से उनको बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद कई घंटे बातें रहे, अखिलेश यादव और साथ ही यूपी के वरिष्ठ नेता से बात किए उसके बारे में, और अपने ऑफिस से अखिलेश यादव जब बाहर निकले के बाद मीडिया जब उनसे सवाल की कि निष्कासित हुए बीएसपी के 9 विधायक आपके ऑफिस के बैकडोर से निकलते हुए देखा गया है, तो उसके बारे में अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि कई ऐसे लोग हैं, विधायक हैं, जो हमारे पार्टी में इस वक्त शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि 2022 का चुनाव अब 6 महीना ही रह गया है। ये कह के उन्होंने इस बात को टाल दिया। क्या है खबर, बात ऐसा है कि जब अगले बार जब चुनाव हुई थी 2017 में, वहां पर बीएसपी और एसपी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उसमें से एसपी और कांग्रेस ने चुनाव मिलकर लड़ा था और बीएसपी अलग लड़ा था, लेकिन वहां पर इनको कोई फायदा नज़र हुआ नहीं आया। और इसको देखते हुए अखिलेश यादव और मायावती ने 2019 का लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर लिया और गठबंधन करने के बाद चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने से बीएसपी को 10 लोकसभा सीट मिले और अखिलेश यादव को 5 लोकसभा सीट मिले। और इसको देखते हुए अखिलेश यादव ने इस बार ऐलान कर दिया है कि 2022 में हम किसी भी दल से, चाहे राष्ट्रीय दल हो या फिर बीएसपी से, हम हरगिज उसमें गठबंधन नहीं करने वाले। हाँ, हो सकता है वहाँ की छोटी छोटी जो पार्टियाँ हैं उनसे हम गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन बड़ी पार्टियों से हम ये गठबंधन नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद वो चाहते हैं कि हर हाल में इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश में हम एकदम जोरदार तरीका से चुनाव लड़े ताकि मेरी पार्टी हर हाल में यूपी में अपनी सरकार बनाए। और इसको देखकर बीएसपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी लोग एक दूसरे की पार्टी की विधायक हो, एक दूसरे के खरोद फरीक में लगे हुए, एक दूसरे के नेता को अपने पार्टी में लाने में लगे हुए, और ये लगातार अभी सिलसिला चल ही रहा। ये बात हो ही रहा था कि दिल्ली में अखिलेश यादव जाके लालू प्रसाद से मुलाकात किए और उनका हाल चाल जाने, और इस बात को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2022 में जो यूपी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने वाला है उसमें कुछ परिवर्तन साफ नज़र दिखता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बड़े से बड़े नेताओं का एक दूसरे से मिलना जुलना इससे पता लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार 2022 में अपनी जो सत्ता है उसको छोड़ देगी। यानी कहने का मतलब है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें योगी आदित्यनाथ अपनी जो यूपी का कुंबा है उसको बचा नहीं पाएंगे। इस न्यूज को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, अपनी राय और विचार हमें साझा करें, कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।